मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो मार्केट प्लेस को छोड़कर शॉपिफाई पर गए, दराज पर उन्होंने स्टोर को फ्लिप किया, वो शॉपिफाई पर गए, उन्होंने कहा मैं शॉपिफाई पर लाखों कमाऊंगा। मेरे भाई यकीन करो, वो बंदे ने मुझे ये आके कहा थोड़े महीनों बाद, पैसे कहाँ गए मुझे पता ही नहीं चला। प्रॉफिट बनता है लोगों का, हमारा भी प्रॉफिट बनता है ना, सीखना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। अगर आप चीजों को सीख कर, चीजों को समझ कर काम करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, सारी चीजों को ना सॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। अभी मैं अपनी बात करता हूँ, हमने जब स्टार्ट किया था यूएई में, मिडिल ईस्ट में, तो हमें कूरियर का बड़ा मसला आ रहा था, कूरियर हमसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा था। फिर हमने उस चीज को सॉर्ट आउट किया, उस चीज को हमने अपना काम रोक दिया, हमने अपने सारे काम ही रोक दिया। हमने कहा पहले हमें ये कूरियर के मसले को सॉल्व करवाना, कूरियर का मसला हमने सॉल्व करवाया, पहले हमें जो पैसे चार्ज हो रहे थे उसके अब हमें आधे हो रहे हैं, पहले जितने हो रहे थे चार्ज, अभी हमें उसके आधे पैसे चार्ज हो रहे हैं। अब मैंने कहा कि हाँ भाई, अब हम अपने प्रोडक्ट को प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकते हैं, अपने स्टोर्स को प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकते हैं। मैंने 15 दिन पूरा काम रोक दिया, मैंने कहा तुम सबको सैलरी दूंगा, पहले मेरा ये मसला सॉल्व होगा, फिर हमारे एड स्टार्ट होगा।